नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिखिए माइनस ए टू प्लस ए, बड़ी काम की प्रॉपर्टी, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन इक्वल टू जीरो व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यानी एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो टू टाइम्स और जीरो होगा जब ऑड होगा। माइनस टू टू प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखिए इसमें एक चीज समझिएगा कि मैंने जान करके कुछ फंक्शन इवन दिए, कुछ फंक्शन मैंने ऑड दिए। जैसे ये इवन फंक्शन है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इनका रिजल्ट डायरेक्टली मतलब एक्चुअल में समझाने के लिए दिया है माइनस टू टू टू, ऐसा सोचो। ठीक है बेटा, ये माइनस टू 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 एक्स क्यूब, ये माइनस टू 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 एक्स स्क्वायर, इतना लिखना नहीं है, पहले एक बार समझ लो, फिर हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और फिर आ जाएगा माइनस टू 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 वन डी एक्स। अब सुनो, जो ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन मतलब जिनमें माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स मिले, ये ऑड होता है, और माइनस एक्स करने पे अगर एफ एक्स मिले तो ये बेटा इवन होता है। तो जो इवन फंक्शन होते हैं वो टू टाइम हो जाते हैं, जीरो टू टू एक्स फोर डी एक्स, जो ऑड होते हैं वो जीरो, ये जीरो, जैसे ये टू टाइम्स जीरो, डायरेक्ट कर सकते थे केवल समझाने के लिए लिखा है, ये फिर जीरो और ये टू टाइम्स जीरो टू टू वन डी एक्स, ये आपको करना था। सीधा यहां पर लिखिएगा टू टाइम्स ऑफ, और यहां पर देखिए ये इवन है, इसका होगा एक्स की पावर फाइव बाय फाइव प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, इसका जीरो, ये हो जाएगा एक्स और जीरो टू टू। अब आपको केवल टू रखना है, तो टू रखोगे तो थर्टी टू बाय फाइव एट बाय बेटा थ्री प्लस ऑफ टू, यस और नो? ऑब्वियसली एलसीएम 15 आएगा, तो ये 32 ये 3 से वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96, यहां पर 5 के साथ 40 एंड दिस इज 30, यस और नो? अब यहां पर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 70 और ये बेटा 96। कभी भी ऐसे ऐड करना तो इसको 100 मान लो, 100 140 170 में से कम कर दो सेम, तो 2 इंटू 166 बाय 15, कैंसिल कुछ नहीं होना है, कैंसिल कुछ नहीं होना है, 2 3 3 अपॉन 15, 3 3 2 अपॉन 15। देखिए माइनस पाई 2 प्लस पाई साइन पावर 4x dx, क्विक एंड फास्ट, पर किसी भी फंक्शन की पावर अगर अगर इवन है तो डिफॉल्ट इवन फंक्शन कहलाता है। तो बेटा ये पावर 4 है तो इवन फंक्शन हो गया। अब आप बोलोगे 4 दिखा नहीं, यही तो पेपर में होगा, दिखेगा नहीं और गलत हो जाएगा। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, पहले ये हुआ, अब 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई आपने तो 2 और आ गया, तो 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4x dx एंड देन अप्लाइंग, तो 3 इंटू 1 नीचे 4 इंटू 2, इवन आने पे क्या बोलते हो पाई बाई 2, ये 4 से 4 कैंसिल तो बचा 3 पाई बाई 4, कितने लोगों का 3 पाई बाई 4 है, यस। माइनस पाई 2 प्लस पाई कॉस पावर 5x dx, यहां पर कॉस फंक्शन दिया है, कॉस फंक्शन बाय डिफॉल्ट इवन फंक्शन होता है, एनी इवन फंक्शन, फिर कोई भी पावर हो दिक्कत नहीं है, तो ये इवन पावर इवन फंक्शन होने से ये 2 टाइम हो गया बेटा, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू, अब इसमें 0 है कि नहीं वो अलग बात है, पहले तो 0 टू पाई जरूर लिखना। अब ये किस प्रॉपर्टी से, अब ये क्यों 0 हुआ वो सुन लो, अब कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, इसलिए यहां पर इस वजह से वो जीरो आंसर हो गया, तो आप लोगों का जीरो सही आंसर है। बस माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कॉस पावर सेवन एक्स डी एक्स, क्विक एंड फास्ट, पहले तो कॉस बाय डिफॉल्ट इवन फंक्शन होता तो टू टाइम लिख दिया, जीरो टू पाई बाई टू। अब एक चीज बताइए, यहां पर रिडक्शन लग जाएगा, और अब यहां पर पहले ही पाई बाई टू लिमिट है तो हम डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू टाइम्स के बाद लगाइए रिडक्शन, तो 642 अपॉन 753, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, ये टू टाइम कैंसिल हो रहा है, 4 4 4 16 32 बाय 35, शायद यही लिखा आप लोगों ने, यस।